ये तस्वीर देखिए, मंच पर अफरा तफरी मची है। माइक पर एम्बुलेंस एम्बुलेंस चिल्ला रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। घबराहट में यहां वहां भागते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी देखिए। मोबाइल लेकर अस्पताल को फोन लगा रहे हैं विजय सिन्हा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में अफरा तफरी मच गई। बताते हैं, दरअसल बिहार के दरभंगा में स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर एम्स निर्माण के लिए अनशन पर बैठे थे। सांसद गोपाल जी ठाकुर के अनशन को समर्थन देने के लिए बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता भी दरभंगा पहुंच गए। सबने जूस पिलाकर गोपाल जी ठाकुर का अनशन तो तुड़वा दिया, लेकिन इस कार्यक्रम में अचानक अफरा तफरी तब मच गई जब मंच पर बैठे एक अनशनकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। जैसे अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी, मंच के साथ साथ पूरा अनशन स्थल अफरा तफरी से भर गया। मंच पर बैठे सभी मंत्रियों के अंदर बेचैनी बढ़ गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तुरंत मौके की नजाकत को देखते हुए मंत्री अश्विनी चौबे से भाषण रोक डॉक्टर को आवाज लगाने को कहा। बरसात के मौसम में मंत्री अश्विनी चौबे ने भी अपना भाषण छोड़कर माइक पर डॉक्टर और एम्बुलेंस को आवाज देने लगे। कुछ ही पल में डॉक्टर मंच पर पहुंचे, अनशनकारी माधव झा का परीक्षण किया। थोड़ी देर बाद अनशनकारी ने अपनी आंखें खोली। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अनशनकारी माधव झा को कंधे पर लादकर सभा स्थल से निकाला। बाद में पता लगा कि उनकी तबीयत ठीक है। अब ये देखिए, ट्रेन में मची है अफरा तफरी। दरअसल हुआ यूं कि ट्रेन में सांप की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। इटावा रेलवे स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली को जा रही थी, तभी कुछ देर पहले रेलवे पुलिस को सूचना दी गई कि B1 के AC कोच में 57 और 58 सीट पर एक सांप देखा गया है। इस सूचना पर GRP वन विभाग की रेस्क्यू टीम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वहां उन्होंने ट्रेन के रुकते ही B1 AC कोच में रेस्क्यू अभियान चलाया। सांप के देखे जाने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन रेस्क्यू टीम की लाख कोशिशों के बाद भी सांप नहीं मिला। ऐसा माना जा रहा है कि सीट के अंदर ये सांप कहीं छिप गया था, इसीलिए जब सीट खाली होगी उसके बाद ही इसे ढूंढा जा सकेगा। इस दौरान पटना से इस ट्रेन में बैठे कुछ यात्री भी परेशान होते दिखाई दिए, सबके पसीने छूट गए। न्यूज़ तक ब्यूरो।